यानी कि विश्वविद्यालय के लिए वो दिन जिस दिन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होना है। लगातार छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर कुलपति का विरोध करने में लगे हुए हैं। इसी के चलते आज NSUI संगठन ने खंडारी परिसर पर कुलपति का पुतला फूंक कर विरोध जताया। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, छात्रता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुलपति के शासन में मौत पर गई राजन में, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI लगातार अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत करा रही है और ज्ञापन भी दे रही है, लेकिन विश्वविद्यालय बंद कमरे में फर्जी दीक्षांत समारोह करा रहा है, एमपिल के छात्रों को नहीं बुला रहा है, विश्वविद्यालय के तमाम छात्र बाहर सड़कों पर सो रहे हैं, उन पर हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, कैंपसों में लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल लैब की व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है इनके पास, इनके पास लाइब्रेरी नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, ऐसी जगह पर ये फर्जी दीक्षांत समारोह बुला रहे हैं, अपनी मेहमानबाजी कर रहे हैं, अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आगरा NSUI ने पहले भी कहा था और इससे पहले कन्वोकेशन में भी कहा था, अगर छात्रों की समस्याएं नहीं सुनी गई तो NSUI इसका विरोध करेगी। परसों हम रजिस्ट्रार महोदय से मिले थे और आज हमने कुलपति का विरोध किया है, कुलपति का पुतला जलाया है और कल हम माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। ये हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, जल्द से जल्द हमारे छात्रों की समस्या को सुन लो, नहीं NSUI उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। काले झंडे दिखाएंगे। हाँ जी बताइए, आज आपने पुतला दहन किया है, अन्यता बता रहे हैं, क्या क्या अन्यता? देखिए, ये विश्वविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय के 95 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बंद कमरे में दीक्षांत समारोह किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह में छात्रों को आस होती है कि हमें डिग्री मिलेगी, एमफिल के छात्र भी इस विश्वविद्यालय छात्र और फीस देते हैं। पहली बार विश्वविद्यालय इतिहास में एमफिल के छात्रों को विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में नहीं बुलाया जा रहा है। लगातार NSUI कुछ मांगों को लेकर और एमफिल के छात्रों और कई अनियमितताओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह करते रहे, लेकिन जब तक इन लोगों को विरोध करवाने की आदत ऐसी पड़ गई है, उनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। NSUI ने पहले भी आगाह किया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर प्रशासन को आगाह कर देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द समस्याएं समाधान नहीं हुई, और मैं आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय और डिप्टी CM साहब से भी आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस झूठे नंबर बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को तुरंत तत्काल प्रभाव से आगे पोस्टपोन किया जाए और जब पूरी तैयारियां हो तब आए, अगर नहीं होता है। और मैं माननीय राज्यपाल महोदय से एक मांग और करता हूं, लगभग 6 महीने से विश्वविद्यालय में परमानेंट कुलपति नहीं है, कुलपति की व्यवस्था यहाँ जल्दी कराई जाए, और अगर कार्यक्रम कल होता है तो NSUI कई दिनों से लगातार हम विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र समस्याओं को लेकर के आए दिन ज्ञापन दे रहे हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इसलिए हमने आज BC साहब का पुतला दहन किया है खंडारी कैंपस में, और हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह किया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो दीक्षांत समारोह का विरोध हम इतनी बहुत बुरी तरीके से करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन व प्रशासन स्वयं होगा।